हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम ग्रैंड स्लैम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ग्रैंड स्लैम जो कि खेल से संबंधित एक प्रतियोगिता है, यहां से आपके हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रैंड स्लैम क्या है। तो टेनिस की चार प्रतियोगिताएँ हैं जिन्हें हम ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं। ये चार प्रतियोगिताएं कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन तथा यूएस ओपन। इन चार प्रतियोगिताओं को ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है, जो कि ये चार टेनिस खेल की प्रतियोगिताएं हैं। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ग्रैंड स्लैम है कहाँ पर खेले जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये मेलबर्न शहर ऑस्ट्रेलिया में, फ्रेंच ओपन पेरिस फ्रांस में, विंबलडन ओपन लंदन यूके में, यूएस ओपन न्यूयॉर्क यूएसए में। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो ग्रैंड स्लैम है किस सीक्वेंस में खेले जाते हैं और किस महीने में खेले जाते हैं। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन साल के सबसे पहले जनवरी से फरवरी के मध्य, फ्रेंच ओपन मई से जून के बीच, विंबलडन ओपन जून से जुलाई के मध्य, यूएस ओपन सबसे आखिरी में अगस्त से सितंबर के मध्य। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर सबसे आखिरी में यूएस ओपन खेला जाता है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो ग्रैंड स्लैम है किस प्रकार के मैदान पर खेले जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ये कोर्ट क्या है आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये है हार्ड कोर्ट, ये है क्ले कोर्ट और ये है ग्रास कोर्ट यानी कि घास का मैदान। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम 2021 के सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल टूर्नामेंट को किसने जीत लिया। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है नवोमी ओसाका ने। नवोमी ओसाका जो कि जापान देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का टूर्नामेंट किसने जीत लिया है। तो फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने, वही खिलाड़ी जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का टूर्नामेंट किसने जीत लिया है। तो फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है बारबोरा किर्जिस्कावा ने। बारबोरा किर्जिस्कावा ने महिला एकल टूर्नामेंट 2021 में फ्रेंच ओपन को जीत लिया है। जो बारबोरा किर्जिस्कावा हैं ये चेक गणराज्य देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2021 में पुरुष एकल का टूर्नामेंट किसने जीत लिया है। तो विंबलडन ओपन 2021 में पुरुष एकल का टूर्नामेंट उसी खिलाड़ी ने जीता है जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा फ्रेंच ओपन जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन तथा विंबलडन ओपन यानी कि तीनों खेल प्रतियोगिताओं को जीत लिया है। इसी प्रकार से विंबलडन ओपन 2021 में महिला एकल का टूर्नामेंट को जीत लिया है एस्ले बार्टी ने। एस्ले बार्टी ने विंबलडन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। जो एस्ले बार्टी हैं ये ऑस्ट्रेलिया देश की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल टूर्नामेंट को किसने जीत लिया है। तो साल के सबसे आखिरी टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल को का खिताब जो है ये जीत लिया है डेनियल मेदेव देव ने। डेनियल मेदेव देव ने यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल टूर्नामेंट को जीत लिया है। जो डेनियल हैं ये रूस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। यूएस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है। तो यूएस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है एमा राधु कानू ने। एमा राधु कानू जो कि ब्रिटेन देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इस प्रकार से मैंने चारों
टेनिस टूर्नामेंट के खिलाड़ियों के नाम कवर कर लिया है। अब इसका हम ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, ये है ट्रिक सीक्वेंस। अब इसमें ट्रिक क्या बनता है, आपको बोलना है नोवाक 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 डैनी, नोवाक 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 डैनी। तो नोवाक से हो गया नोवाक जोकोविच, नोवाक से नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच, डैनी से हो गया डैनियल, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन को नोवाक जोकोविच ने, फ्रेंच ओपन को नोवाक जोकोविच ने, विंबलडन ओपन को नोवाक जोकोविच ने तथा यूएस ओपन को डैनियल ने जीत लिया है। ये तो बात हो गई पुरुष एकल टूर्नामेंट की। इसी प्रकार से आपको महिला एकल टूर्नामेंट का ट्रिक याद रखना है। इसमें भी आपको सबसे पहले सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, ये है सीक्वेंस। अब इसका ट्रिक है, ओम बार में एस करने के लिए एमा को ले गया, ओम बार में एस करने के लिए एमा को ले गया। यहाँ पर ओम का मतलब है नवोमी ओसाका से, बार का मतलब है बारबोरा क्रिजिस्कावा से, एस का मतलब है एसले बार्टी से, एमा का मतलब है एमा रादुकानो। तो इस प्रकार से चारों टेनिस टूर्नामेंट कवर हो गए। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नवोमी ओसाका ने, फ्रेंच ओपन ने में बारबोरा क्रिजिस्कावा ने, विंबलडन ओपन को एसले बार्टी ने, यूएस ओपन को एमा रादुकानो ने जीत लिया है। ये है ट्रिक जो कि आपको याद रखना है, ओम बार में एस करने के लिए एमा को ले गया। अब आपको फिर से मैं आपको याद दिला दूं, यहाँ से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है कि कौन सा जो टेनिस टूर्नामेंट है कब और किस प्रकार के मैदान पर खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न में हार्ड कोर्ट पर, यूएस ओपन न्यूयॉर्क में हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन पेरिस में क्ले कोर्ट पर, विंबलडन ओपन लंदन में ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले या सबसे पहले कब खेला गया, या फिर सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है कौन है। तो चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है यह विंबलडन ग्रैंड स्लैम, जो कि पहली बार 1877 में खेला गया। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इन चारों टेनिस प्रतियोगिताओं में सबसे नया कौन है। तो सबसे नया है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसकी शुरुआत होती है 1905 में। अब आपको कुछ विदेशी टेनिस खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे राफेल नडाल जो कि स्पेन देश के टेनिस खिलाड़ी हैं, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया देश के टेनिस खिलाड़ी हैं, रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं, सरेना विलियम्स अमेरिका देश की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, मारिया शारापोवा रूस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, नवोमी ओसाका जापान देश की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। इसी प्रकार से अब आपको कुछ भारतीय टेनिस खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं, जैसे लियंडर पेस, रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा, महेश भूपति, सोमदेव देवबर्मन, यूकी भांबरी, करमन कौर तांडी, अंकिता रैना, प्रजनेश गुणेश्वरन। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है अंकिता रैना और प्रजनेश गुणेश्वरन, क्योंकि ये इस समय खेल रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा चर्चा में रह रहे हैं। तो ये हैं कुछ भारतीय टेनिस खिलाड़ियों के नाम जिनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। तो इस प्रकार से मैंने टेनिस टूर्नामेंट से यानी कि ग्रैंड स्लैम से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में ग्रैंड स्लैम से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।